पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के दिल्ली रोड स्थित एक होटल में रामलीला महासंघ उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में एक सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की रूपसज्जा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम 4 सितंबर को संस्था के अध्यक्ष राजेश रस्तोगी, महामंत्री कुमार देव, संरक्षक प्रदीप शर्मा और ऋषि छावड़ा के द्वारा दीप प्रज्वलन करने के साथ शुरू हुआ। विजयी रहे वरिष्ठ वर्ग में प्रथम पुरस्कार ऋतिका विश्वास, द्वितीय पुरस्कार माही तथा तृतीय पुरस्कार मोनिका सागर को गया। सभी कार्यक्रम में लगभग 80 बच्चों ने प्रतिभाग किया। श्री रामलीला महासंघ के इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों ने प्रतिभाग किया। ये आज श्री रामलीला महासंघ जो हमारी बहुत ही 21 साल पुरानी संस्था है और इस संस्था के तत्वाधान में आज यहाँ बहुत ही सुंदर मानसरोवर पैराडाइज जो हमारा ये प्रतिष्ठान है जिसके स्वामी श्री ऋषि छावड़ा जी हैं, हमारे भाई हैं, उनके वही हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं, उन्हीं की वजह से आज ये कार्यक्रम मानसरोवर पैराडाइज में हो रहा है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण और माँ राधा का जो आज ये जन्माष्टमी आ रही है उसकी वजह से रूप सज्जा हमने यहाँ करवाई है। बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे आए हुए हैं, वो बच्चे यहाँ राधा कृष्ण बनकर आए हैं, कुछ कृष्ण बनकर आए हैं, कोई कन्हैया बनकर आया है, कोई माँ राधा बनकर आया है। तो ये बड़ा अच्छा उत्सव यहाँ चल रहा है और कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का कार्यक्रम हमने अभी कराया और 5 से 8 तक के बच्चों का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें हमने सभी बच्चों को पुरस्कार दिए हैं, मेडल दिए हैं और कुछ हमने बच्चे छांटे हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनको हमने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th ये प्राइजेस दिए हैं ताकि बच्चों का उत्साहवर्धन हो सके। हमारा उद्देश्य है, रामलीला महासंघ जो हमारी संस्था है उसका उद्देश्य है कि हमारे महानगर में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ये हमारी संस्कृति है इसका उत्थान हो, हमारी संस्कृति का ज्ञान सभी बच्चों को हो। जब बच्चे छोटे से होते हैं तभी से अगर उनको शिक्षा दी जाएगी अपनी संस्कृति के बारे में, रामायण के बारे में, भागवत के बारे में, तभी उन्हें ज्ञान होगा और वो आगे बढ़कर अपनी संस्कृति को संजो सकेंगे, संस्कृति को संभाल कर रख सकेंगे। चूँकि आने वाला समय इन बच्चों का है, इस देश की बागडोर इन बच्चों के हाथ में जानी है और इस देश में जो संस्कृति सनातन धर्म है जिसकी सुरक्षा सुरक्षा इन्हीं बच्चों के हाथों में है, इन्हीं इसी वजह से ये कार्यक्रम हम कराते रहते हैं। रामलीला महासंघ की तरफ से भगवान श्री राम के कार्यक्रम कराते हैं, प्रभु श्री राम की रामायण की लीला भी हमने की थी, अभी ये कन्हैया का प्रदर्शन चल रहा है, जन्माष्टमी का समय है। समस्त नगरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों में संस्कार डालें, अपनी संस्कृति के बारे में उन्हें जरूर बताएं। कन्हैया कृष्ण भगवान, उनका क्या कार्यकाल था, क्या करा उन्होंने, क्या उनका रूप रहा, प्रभु श्री राम ने क्या इस देश में आकर करा, क्या उनका रूप रहा, ये संस्कार बच्चों में डालेंगे तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में रहेगा, हमारे देश की उन्नति होगी, विकास होगा और हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। मेरी यही सबसे प्रार्थना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। महासंघ की ओर से एक बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी का आज भगवान राधिका और कृष्ण की रूप सज्जा और 2 से 2.5 मिनट का एक बच्चों का कार्यक्रम या मानसरोवर पैराडाइज में हो रहा है, ऋषि छावड़ा जी के सहयोग से और रामलीला महासंघ के सहयोग से, जिसमें मुरादाबाद महानगर के करीब 16 विद्यालयों के बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। लगभग 110 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत बेहतरीन एक बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी है कृष्ण भगवान और राधिका की, और ये हमारा समाज इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे, हम आगे बढ़ते रहें, भगवान कृष्ण भगवान राम हमारे इस देश के बच्चों को और हम सब लोगों को आगे बढ़ाते रहें, ऐसी कामना करते हुए हमने ये कार्यक्रम किया है। और बच्चों में बहुत उत्साह है, टीचर्स में बहुत उत्साह है, जो लोग आए हैं बच्चों के गार्जियंस आए, बड़े छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए हैं, तो मैं समस्त महानगर वासियों को, इन बच्चों के गार्जियंस को, अभिभावकों को, इन बच्चों के विद्यालय के प्रधानाचार्य को, स्कूल को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने बढ़िया कार्यक्रम में सब लोगों को यहाँ भेजा और बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे हैं। निश्चित रूप से बच्चे इस देश में धार्मिक भावना को भी आगे बढ़ाएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।